हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके studio.com में स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में हम लोग एक नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चाभी काठी। ठीक है, चाभी काठी, जिसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानुरे जी। ठीक है, खोटा भाषा के अंतर्गत में चाभी काठी बहुत ही एक है ना महत्वपूर्ण नाटक है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? तो श्रीनिवास पानुरे जी के बारे में। तो श्रीनिवास पानुरे जी के बारे में थोड़ा सा समझिए। श्रीनिवास पानुरे जी का जन्म हुआ था, ठीक है, 25 दिसंबर 1920 को बरवड्डा कल्याणपुर में के धनबाद में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सालुग्राम पानुरे जी, माता जी का नाम था दुखरी देवी और इनका पत्नी का था नाम मूर्ति देवी। ठीक है, इनको क्योंकि खोटा भाषा के पहले ऐसे, ठीक है, लेखक थे, पहले ऐसे कवि थे, ठीक है, जो खोटा भाषा को भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इनको बोला जाता है कि ये खोटा के भीष्म पितामह थे। ठीक है, खोटा के भीष्म पितामह थे ये बात, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने इनको कहा था। ये खोटा के टैगोर हैं, ठीक है, ये बात, ठीक है, डॉक्टर चंद्रभूत साहू बताए थे। ये खोटा के वाल्मीकि हैं, ठीक है, ये सारे इनको उपाधियां दी जा चुकी हैं क्योंकि ये खोटा भाषा में क्या है, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इन्होंने खोटा भाषा में शुरुआती दौर पर ये है ना लिखना चालू किए थे, ठीक है, जिस समय कोई और लेखक नहीं लिख रहे थे, इसलिए इनके जो लेखकों में कुछ हिंदी के भी झलक आपको दिखाई को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हमने इनके एक अलग से वीडियो में बायोग्राफी में हमने इसको पढ़ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है आपके studio.com पर, ठीक है, वहाँ जाके इनके सारे बारे में, इनके बारे में, श्रीनिवास पानुरे जी के बारे में जाके देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसका नाम है चाभी काठी। इस चाभी काठी के माध्यम से ये समाज पर ये प्रहार किए हुआ बात को बताते हैं कि हमारा समाज में गरीबी किस तरह से छाया हुआ है। ठीक है, गरीबी के प्रकोप से लोग ना कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये समय से पहले ही किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी इंसान को क्या करता है, तो बूढ़ा बना देता है। ठीक है, कि गरीबी ऐसा चीज़ है, वो समय से पहले उसको क्या करता है, बूढ़ा बनाता है। ये सारा चीज़ को इसमें बताया गया है और आगे कुछ इसमें हम लोग और समझेंगे। तो ये समझना, ये जो चाभी काठी जो नाटक है ये एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक का कहने का मतलब होता है कि जिसमें एक ही अंक होते हैं और वो सारे लिखा जाता है उस नाटक में। दृश्य बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, बट नाटक का जो अंक होता है वो एक होता है। हमने अजगर नाटक को पढ़ा था, तो अजगर नाटक में हमने पढ़ा था उसमें 3 अंक थे, ठीक है, और उसमें 16 दृश्य थे। ठीक है, जो लोग अजगर नहीं पढ़े होंगे वो अजगर को भी जा करके पीछे देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग समझते हैं, तो चाभी काठी एक एकांकी नाटक है, ठीक है, जिसमें अंक कितने हैं, एक है, और देखिए यहाँ पे एक अंक लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए। और इसमें कुल जो दृश्य है, ठीक है, नाटक में दृश्य बाय दृश्य दिखाया जाता है, तो उस तरह से दृश्य जो है वो टोटल 20 है। तो ये आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे समझिए कि प्रकाशन बच्छर क्या हुआ इसका, ठीक है, इसका प्रकाशन बच्छर जो ये चाभी काठी जो है ना नाटक है, तो इसका प्रकाशन बच्छर याद रखना आपको। देखिए, प्रकाशन खोटा भाषा में ऐसा लिखा जाता है, कुछ हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि आप जो लिखते हो बोर्ड पर वो सही है या फिर गलत हो जाते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, इसे खोटा भाषा में कुछ कुछ वैसे ही भी लिखा जाता है, और हम लोग आपके साथ जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे खोटा भाषा और मतलब कुछ कुछ हिंदी भी मिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रकाशन बच्छर, बच्छर का मतलब क्या होता है, वर्ष। तो प्रकाशन यानी प्रकाशन वर्ष कब हो गया था इसका, तो 2006। और प्रकाशक, वही प्रकाशक इसका बालाडी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इस किताब का, यानी ये जो चाभी काठी है उसका, ठीक है, प्रकाशक हुआ था। और इसका संपादक जो थे वो थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी, ठीक है। देखिए, आकाश खुटी इसका क्या है, उपनाम आता है, ठीक है, ये व्यक्ति हैं। तो याद रखना है कि गिरधारी गोस्वामी जी ने, ठीक है, इस चाभी काठी को छपाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका भूमिका का जो लेखक हुआ था ये भी वही दिए थे, भूमिका का भी, नाटक में ये सब हम लोग इसमें समझ चुके हैं। तो देखिए जी, ये चाभी काठी जो नाटक है, ठीक है, एकांकी नाटक, जो लेखक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरे जी, ठीक है। तो इसमें जो नाटक में जो पात्र हैं उस पात्र को हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है। तो नाटक के जो पात्र है ना, हम लोग उसको दो पार्ट में बांट लेंगे। एक में जो है ना पात्र आएंगे, जैसे पुरुष पात्र, और दूसरा में है ना महिला पात्र, ठीक है। तो देखिए, पुरुष पात्र में कौन कौन आते हैं, तो मुख्य पात्र इसमें पूछा जाएगा आपको दो, तो याद रखना दो मुख्य पात्र में है, शंभु और कालूराम, ठीक है, क्योंकि ये जो नाटक है ये शंभु और कालूराम के ही इर्द गिर्द पूरा घूमते रहता है, इसी के है ना आधार पर ये लिखा गया है, तर्ज पर। तो देखिए, शंभु एक बीए पढ़ा लिखा लड़का है,
ठीक है, पढ़ा लिखा है बीए तो याद रखना है, और एक क्रांतिकारी युवक है, मतलब उसका विचार जो है वो क्रांतिकारी टाइप से, वो चाहता है कि समाज को क्या करें, थोड़ा सा प्रगति पे लाए, समाज को है ना उठाए हम, ठीक है, जो नीचे यहाँ पे शिक्षा है ये सब को क्या करें, लोगों को जागरूक करने के काम करता है, तो ये याद रखने हैं आपको। कालूराम क्या, तो एक सुदखोर है, महाजन है, शाहूकार है, जमींदार है, जो लोगों को पैसा देता है सूद पर और अंगूठा लगवा करके उनसे ना हड़प लेता है, इस तरह से करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको नाटक में पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि क्या क्या इसमें है। बाबा ठीक है, गांव का एक बूढ़ा है जो अपना है ना नाती, उसका गांव के लड़का उसको नाती को बताते रहता है कि हम यहाँ ऐसे ही नहीं अपना बाल चूल पका लिए हैं, ठीक है, हमर चिन्ह ये सब मिलता जो तुमके किताब पोथी में भी नहीं पाए। तो ये सब अपना वो बताते रहता है कि, और ये भी बताता है कि कालूराम कैसे वो ठीक है वो गांव में आया था, ठीक है, कि महीना जो जेठ का रहता है तो उस समय उसके शरीर पर पूरा एक कपड़ा भी नहीं रहता है, ठीक है, तो उसको कैसे महतो लोग जो है वो उसको है ना पानी उनी छीट कर लगा हुआ के उसको खाने पीने के लिए देता है, और फिर अपना काड़ा यानी जानवर चराने के लिए रख लेता है, धान उन भी होगा यथी मेड़ उड़ करता है। तो ये सारे कुछ आपको इस नाटक में समझने को मिलेंगे। तो ये कालूराम के बारे में बताता है, किसको, बाबा किसको, नाती को, ठीक है, ये बताया गया। फिर रतिराम क्या है, तो धनबाद शहर का एक बाबू होता है जो कि शंभू है ना गरीब रहता है, वही बता कि गरीबी एक क्या अभिशाप है, इसलिए उसकी माँ जो है वो भेज देती है उसको कि जाओ कहीं पे जाके कुछ काम करो। इस सिलसिले में वो शंभू जो है वो चला जाता है कहाँ पर, तो धनबाद जाता है, तो धनबाद में वो ना भूखे रहता है, तो एक एक बार दुकानदार के पास जाता है तो मिलता है बातचीत करने के दौरान उसको कौन, रतिराम। तो रतिराम जो है वो उसको बता, ये जब शंभू बताता है कि वो बीए पढ़ा लिखा है तो रतिराम उसको रख लेता है अपने है ना, एक उसका स्कूल होता है जिसमें बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे वो रख लेता है उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और पैसा वैसा भी देता है। तो ये है रतिराम जो कि धनबाद शहर में ठीक है शंभू को क्या करता है, मदद करता है, ऐसा समझिए। राघव क्या है, तो शहरी युवक है जो कि उसी है ना धनबाद शहर में बातचीत होता है, रतिराम और राघव उन्हें शंभू मिलता है, ये सब आपको वहाँ पे नाटक में समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आगे क्या, संतु, संतु क्या है, तो कालूराम का एक लठैत है जो उसको हमेशा तत्पर रहता है उसके काम करने के लिए, सेवक के रूप में काम करते रहता है, वो याद रखना। सिंह जी भी एक लठैत है, ये भी आपको नाटक में याद करना। तो देखिए इस नाटक का जो दृश्य बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें ना आपको बहुत सारे पात्र हैं, तो उन पात्रों को एक बार में याद नहीं होंगे, तो आपको मैं दृश्य में जो भी पढ़ाऊंगा कि पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, तो सारे दृश्य में ना ये पात्र को मैं रिविजन कराते जाऊंगा, तो वैसे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बार पूरा समझा दे रहा हूँ कि इसमें कितने सारे पात्र हैं, ये सारे पात्र उसमें आएंगे, तो आपको ज़्यादा ठीक है टेंशन नहीं लेना, आपको सारे ये नाम याद हो जाएंगे, आप आसानी से इस सारे नाम को याद रख ले पाइएगा। तो सी जी हो गया ये। फैकरा क्या है, तो कालूराम का याद रखना कि फकीरा भी कहीं बोलता है, कहीं कहीं फैकरा होता है, तो ये कालूराम का मुंशी है जो कि उसका लेखा जोखा को ठीक है क्या कहता है मेंटेन करता है, मैनेज करके रखता है, तो याद रखते हैं। रोहन क्या है, तो कालूराम का बेटा है, कालूराम जैसा ये सुदखोर महाजन है ठीक है, लेकिन इसका बेटा जो है उसके जस्ट ठीक क्या है विपरीत है, ठीक है, वो लोगों को नहीं चाहता है कि शोषण करें, ठीक है, इसलिए ये दोनों कालूराम और उसका बेटा में नहीं बनता है, तो उसका बेटा जो क्या है बाहर उसको निकाल दिया जाता है, इस तरह से आगे आपको नाटक मिलेगा। रोहन हो गया। पंचानन बाबू क्या है, तो एक कांग्रेसी उम्मीदवार है, क्योंकि कालूराम भी एक बार क्या मुखिया के चुनाव में खड़ा होता है, तो उसी के साथ में पंचानन बाबू आते हैं तो कांग्रेसी के रहते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको वहाँ मिलेगा। श्रीपति क्या है, तो एक ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण है जो कि कालूराम से क्या करता था पैसा कुछ टका उधार लेता है, जिसके बदले में ठीक है कालूराम कहता है कि तुमको सूद में खसी उसी भी देनी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो यही हम लोग को फायदा होता है, यही तो हमारा लाभ है, ये बताता है कौन, कालूराम। तो इसी तरह से याद रखना कि श्रीपति एक ग्रामीण है ये, जिसका अंगूठा लगा के ये पैसा उसका थोड़ा सा हड़पता है ये कालूराम। फिर मंगला एक ग्रामीण है, ठीक है, ये भी याद रखना, जिसको वो सूद पे पैसा देता है, किसको, तो कालूराम देता है मंगला को सूद पे पैसा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सुदखोर महाजन साहूकार, तो पैसा गांव के लोगों को देते रहता था, जिस समय आया था उस समय बहुत ही गरीब था, ठीक है, लेकिन धीरे 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 पैसा है ना जमा करते करते ये क्या एक तरह से साहूकार बन गया था, बड़ा आदमी बन गया था, तो याद रखना है। मंगला हो गया। उसी तरह जादू भी क्या है, एक ग्रामीण है जो कि वो बताता है नाटक में एक जगह पे कि लोग जो है चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुखिया हो, कोई भी हो, जीत के तो यहाँ पे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो सारे क्या करते हैं अपना ही पेट को क्या करते हैं खाली भरते हैं, जनता का कोई भी सेवा नहीं करता है, सब अपने पेट को भरने के लिए काम करते हैं, तो याद रखना जादू ये बात बोलता है। खेपा भी क्या है, तो एक ग्रामीण है, याद रखने है कि ग्रामीण है, तो याद रखने है कि श्रीपति, मंगला, जादू और खेपा क्या है, ग्रामीण है। अब एक मोती देखिए, याद रखिएगा,
मोती क्या है? तो चुटरी बाप, ठीक है, यानी एक विदूषक है, ये एक कॉमेडियन है जो कि आपको नाटक में बीच बीच में हंसाने का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत ही आपको मजा आएगा इस नाटक को पढ़ने में, है ना। जैसे ही कपिल शर्मा हंसाने काम करता है, उस तरह से ये भी चुटरी माई और चुटरा बाप में दोनों नोकझोंक होते रहता है, ठीक है। इसका जो प्रमोशन, एक पहले किराने रहता था, अब साहब बन जाता है, इसका प्रमोशन हो जाता है, हाँ, और इसका बदला भी हो जाता है, ट्रांसफर, यानी तो पहले हाँ रहता था वो पटना चला जाता था, वही बोलता है कि हमको साहब भेज लिया ना, हमारा चुटरा बाप ना बोलिए, इस तरह से, है ना, चुटरी माई में नोकझोंक होते रहता है। तो अभी सब इसको बताएंगे। कमल एक याद रखिएगा कि कमल क्या है, तो शंभू का एक दोस्त है, ठीक है, शंभू जो है उसका दोस्त है। तो इस तरह से ये सारे जो है वो इसका पुरुष पात्र हो गए, समझ गए, पुरुष पात्र, ठीक है, कि पुरुष पात्र के अंतर्गत इस नाटक में इतने सारे नाम आएंगे। अब हम लोग इसके बाद जो महिला पात्र हैं उसका भी थोड़ा बहुत नाम जान लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नाटक को पूरा, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप पूरा हमारे साथ बने रहिएगा, आपको पूरा ये नाटक बहुत आराम आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें, है ना, तो देखिए इसमें आगे हम लोग स्त्री, यानी स्त्री यानी महिला पात्र को देखेंगे, ठीक है। तो महिला पात्र ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला कौन है? तो सुहागी, सुहागी क्या है? तो शंभू के माए है, ठीक है, तो याद रखना शंभू के माए है, बस याद रखना सुहागी। दूसरा सोमरी है, सोमरी याद रखना कि एक गांव के क्या है, गरीब राणजनी, राणजनी का मतलब होता है विधवा औरत, ठीक है, विधवा औरत जिसका पति मर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं खोटा भाषा में राणजनी, वैसे हिंदी में होता है इसका विधवा, तो याद रखना है कि राणजनी है ये। उसका जगरा कालूराम के चंगुल से शंभू क्या करा है? छुड़ावा है, बचावा है, ठीक है। जब इसका पति मर जाता है तो ये कालूराम से अपना मतलब जमीन गिरवी रखती, उधार रखवाती है और उससे पैसा लेती है, ठीक है। लेकिन कालूराम बोलता है कि नहीं, 7 साल के लिए गिरवी रखवाती है, तो 7 साल से उसका 10 साल हो जाता है, तो कालूराम बोलता है कि अब हम उसको वापस नहीं करेंगे, नहीं घुमाएंगे, ठीक है। तो यही बात को लेकर के तो उसको फिर जो शंभू है वो बचाता है, छुड़ाता है। कर्मी क्या है? तो गाँव के क्या है? दलाल औरत है, ठीक है। तो याद रखना है दलाल औरत ये है कि जो कि कालूराम को क्या करता है, तो वो उसको कोई लड़की उड़की मंगवाता है तो उसको वो प्रोवाइड करवाता है, यानी उसको उपलब्ध करा देता है, इसलिए इसको गबला गांव का एक क्या है, तो दलाल औरत, तो याद रखना है आपको। दमयंती क्या है? तो दमयंती गांव की एक ना एक शिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी है ये, है ना, वहाँ पे बताती है ये कि अमेरिका के कुत्ते क्या होंगे, अखबार पढ़ते, इस तरह से तो आपको नाटक में सारा कुछ समझने को मिल जाएगा। ये चुटरी माई कौन है? तो वही चुटरी बाप जो मोती था उसकी ये पत्नी है, है ना, ये विदूषक है, यानी कॉमेडियन याद रखना कि विदूषक ये क्या है, पत्नी है, जो चुटरी माए और चुटरा बाप में दोनों क्या नोकझोंक होते रहता है, तो ये इसमें बताया गया। तो ये था इसका जी, है ना, नाटक का हमने पात्र को पढ़ा, ठीक है। अब हम इस नाटक को पूरा अच्छे से, है ना, प्रत्येक दृश्य को पूरा डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस नाटक का पहला दृश्य, ठीक है। इस नाटक चाबी काठी का पहला दृश्य जो होता है, ठीक है, पहली दृश्य इसको बोलते हैं जी, खोटा भाषा में लिखा हो गया है नाटक में, जिसका मतलब होता है पहला दृश्य। इसमें क्या है? तो शंभू जो है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि एगो क्या है, बीए पढ़ल लिखल लड़का है और एक क्रांतिकारी युवक भी है, ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए यही है इस कहानी, मतलब नाटक में शुरुआत करता है, बताता है ये कि ओह गरीबी की अभिशाप, बोलता है कि गरीबी एक क्या है, अभिशाप के रूप में, ठीक है, अभिशाप के रूप में गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखा था, कि गरीब के सारे लोग क्या करते हैं, तो हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ बुझहत, उसको क्या सबसे नीचा समझते हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं वो, विद्या बुद्धि तेज एकर आगु सब बेकार, कितनों आप पढ़ल लिखल हैं, ठीक है, कितनों आपके पास ज्ञान है, लेकिन सब बेकार यदि आप गरीब हैं, लोग आपको कोई पूछे तक नहीं, पूछता तक नहीं है, वही बोल रहे हैं, एकदम बेकार, कोई मानुष ना आए बुझत, कोई आंख न लगे, यानी बोला कि कोई मनुष्य तक आपको नहीं बुझेगा, ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो गरीब भी है, मूर्ख भी है, वो भी आपको मूर्खे समझेगा, क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं, ठीक है, कि गरीब यानी समाज में गरीबी क्या है, एक बुराई के रूप में, अभिशाप के रूप में, ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं वो, चाहे वो पंडित है हो गुणवान हो, बोले या तो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, चाहे रूपवान हो, है ना, चाहे कुलवान, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि वो गरीब है तो उसके लिए क्या है, एक अभिशाप है। ओह आगे बोलता है कि सापेक्ष विष झरे, ठीक है, क्या बोलता है आगे, कि सापेक्ष विष झरे किंतु गरीबी के विष झागले न झरे, कितना यहाँ पे एक तरह से ना कमेंट करके बता रहा है, समझा रहा है कि गरीबी हमारे लिए कितना अभिशाप है, कि सांप का विष जो सबसे डेंजर माना जाता है, खतरनाक माना जाता है, वो क्या हो, झर जाता है, वही बोला कि सांप एक बीज झरे, ठीक है, मगर ये जो गरीबी का अभिशाप है ये ना झरे,
होता है जुआन के, जुआन मतलब होता है ना यंग व्यक्ति यानी ना युवा व्यक्ति, उसको क्या कहता है समय से पहले ही बूढ़ा कर देता है। असमय बूढ़ा कर देता मतलब समय से पहले ही है ना उसको बूढ़ा कर देता है। ये बता रहा है कौन, शंभु अपना दुख दर्द को बता रहा है। आगे बोलता है कि गली गली भीख मंगाई दे है, यानी गरीबी जो है वो क्या करता है इतना मजबूर कर देता है कि लोग ना गली गली में जाके भीख मांगना इधर से उधर है ना रोड में जाकर के भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वही की मंगाई छोड़ा है। एक चलते मनुष्य की न करे है ना, मनुष्य को जो न करना होता है वो तक वहां तक कर जाता है, नीचे से नीचे कोई भी काम एकदम जो होता है वो भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता कि सुंदरी रूप बेचे है, जो ज्यादा सुंदर है वो अपने रूप को क्या करती है सौदा करती है बेचती है ताकि उससे क्या हो उसके पास पैसा है ना। तो वही बोला सुंदरी अपन रूप बेचे है। अबोध शिशु गली गली भीख मांगे, यानी छोटे छोटे बच्चे आप लोग देखते होंगे कि रोडों में सड़कों में ठीक है मंदिरों के आसपास कहीं भी लोग जो है कटोरी लेके क्या करते रहते हैं भीख ऐसे मांगते रहते हैं ठीक है। अबोध अबोध बच्चे तो भी बता रहे हैं। आगे बोलते हैं हे भगवान ये कौन पापित प्राश्चित है, आखिर ये कौन पाप का प्राश्चित है गरीब होना हमारे ऐसा गुणवान लोग, क्योंकि वो जो बता रहा है कि हमारे ऐसा गुणवान लोग क्योंकि ये BA पढ़ा था ठीक है। और ये जब नाटक ये लिखे थे श्रीनिवास पांडे जी तो ये लगभग 1963-64 के बीच में लिखा गया था, तो उस समय भी बताइए कि कहानी बताया जा रहा गरीबी, तो उस समय वो BA पढ़ा हुआ था मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने आप को बोल रहा था कि गुणवान है ना, बात सही है बहुत पहले की बात है तो पढ़ा लिखा होगा वो तो BA उस समय वैल्यू भी करता था, अभी तो थोड़ा BA कम है लेकिन उस समय बहुत ज्यादा महत्व रखता था। तो वही बोला हमारा ऐसा गुणवान लोग के गरीबी आगे झुलसे हुए है ना, गरीब के आगे क्या ना होता झुलसे हुए है। ओह की आश्चर्य, मतलब इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मूर्खो हमारा मूर्खे बुझहर, इसमें आश्चर्य की बात है कि वो इतना पढ़ा लिखा था ठीक है फिर भी उसको यदि मूर्ख कोई मिल गया तो बोलता कि ये हमरो ज्यादा क्या मूर्ख है ये, क्योंकि वो क्या है गरीब है इसलिए। जगह ठीक दो पैसा है वो अपन के भगवान है बुझत है, जिसके पास बोला कि जिसके पास दो पैसा है ठीक है थोड़ा सा अच्छा खासा है तो वो अपने आप को भगवान है बुझत है, भगवान के क्या बेटा ही बुझत है वही बोल रहे हैं अपन के भगवान के असल बेटा माना है ठीक है। किंतु सभे के भीतर वो सब कौन पाप ना करे ठीक है, लेकिन फिर भी वो कौन पाप ना करे आगे तो आगे बोलते तब समाज है वह सभी पूछे है कि समाज में वो सब क्या करता है उसको पूछे हुए ओह सब गणिमान अगुआ लोग यही है ठीक है कि पढ़ा लिखा है ऐसा बता रहा है। तब कि मानुष के परित्राण ना आए हाँ, आगे बोलता है कि मनुष्य के परित्राण ना आए, 10-5 लोग सुखे करता रहता बाकी सभी गोड़ धोते रहता। बोलता कि समाज में है जिनके पास कुछ क्या ज्यादा संपत्ति है वो है ना और बाकी सारे उनको लोग क्या करते हैं गोड़ धोते रहते हैं, यानी सब उसके आजू बाजू ही रहते हैं, यानी समाज में क्या है तो 10-5 लोग जो ऐसे हैं जो क्या ज्यादा बड़े लोग हैं यानी उनके पास ज्यादा अब पैसे हैं बाकी उनके आगे पीछे क्या घूमते रहते हैं वही बोलते हैं। भगवान हाय भगवान डाकते रहता और वो लोग क्या करते रहते हैं तो भगवान को याद करते रहते हैं कि हे भगवान भगवान ऐसा सुधे भाग के दोष देते रहता है, सुधे का मतलब होता है सीधा और अपने भाग को कोसते रहता है ठीक है, अपने भाग को क्या करते रहता है वो लोग दोष देते रहता है। आगे बोलते हैं वो तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतः, मनुष्य के करे कथा टावेकार। आगे वो बोलता है एक भगवत गीता का श्लोक को बताता है ठीक है, भगवत गीता में एक श्लोक लिखा गया है जो बोला गया तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, कि तिरिया का चरित्र पुरुष का भाग को ही बताता है उससे संबंधित है वो, कि तिरिया का जो चरित्र है और पुरुष का जो भाग है ठीक है इसको भगवान भी नहीं जानते देवो न जानती तो मनुष्य का क्या औकात है ना, कि तिरिया यहाँ पे माया के रूप में बताया गया है कि उसका जो चरित्र है पुरुष का भाग कब बदल जाएगा ठीक है ये भगवान भी नहीं जानते तो मनुष्य क्या औकात है। यदि बेकार तो गरीब भगवान के मुँह कहे दे लेती, वही बोला कि यदि बेकार है ये बात तो मनुष्य के जो भगवान है मनुष्य के मुँह कहे दे लेती ठीक है। आगे साध कहे दे लेती यानी मनुष्य का इच्छा कहे दे लेती कि हम ये करेंगे वो करते हम ये बन जाते ठीक है, इतना सारा इच्छा कहे हमको ये मिल जाता वही बोले इतना इच्छा का है पेट कहा दे लेती, क्योंकि सारा कुछ कहाँ से शुरुआत होता है पेट के ही खातिर, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं पेट के लिए ही करते हैं है ना, तो वही कि पेट कहा दे लेती। राजपुत्री के धनी मानिक बेटियों तो कखनू कखनू गरीबे कति सुंदर स्वस्थ युवक अपन हृदय दे के तृप्ति पावे है, कि राज जो है राज घराने के जो बेटियां सुंदर और सुंदर होती है तो जिसको देख करके लोग तृप्ति हो रहा है ऐसा ये बता रहा है ठीक है। निश्चय एकर में भेद है ठीक है, यही बोलता कि इसमें क्या है भेद है ठीक है, मतलब दोनों में अंतर बताया जा रहा है कि जो बड़े घर के होते हैं वो अच्छे अच्छे पहनते खाते पीते रहते हैं, गरीब के पास ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है तो गरीब क्या है अभिशाप के रूप में है। चल ई भेद के खोज कर रखें, कि चलिए हम समझते हैं कि इस भेद में क्या है आखिर इसमें कैसे होता है हम लोग इसको ज्यादा जानते हैं, तो
तो यहीं पे ये पहला दृश्य खत्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। चलिए इसका अगला दृश्य देखते हैं, जिसका हाँ जो दूसरा दृश्य है जिसको बोला जाता है दोसर दृश्य, ठीक है, कोठा में दोसर दृश्य यानी दूसरा दृश्य। इसमें कौन है तो शंभू और उसकी माँ सुहागी में बातचीत होता है। सुहागी कौन है तो शंभू की माँ है ना, ये दोनों में बातचीत होता है, वो बताती है क्या। तो देखिए सुहागी बोलती है कि बेटा तोरा झूठे इतने पढ़े लियो रे, ठीक है, कि तोरा झूठे इतने पढ़ा लियो, 10 बछर एक ना हले तखन तोर बापे मोए गेले थे। तो याद रखना है कि कितना बछर की बात बोला जाता है, तो 10 बछर यानी 10 वर्ष, कि वो 10 वर्ष का रहता है कौन, शंभू, ठीक है, उस समय उसके पिता, ठीक है, क्या हो जाता है, डेट हो जाता है यानी वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है। कि 10 बछर एक ना हले तखने तोरा बाप मोर गेले हथुन, तब हम हिम्मत कर ली यानी हिम्मत करके तोरा पढ़े लियो, तोरा लिखे लियो, नाय खाए के तोरा खिये लियो, कि हम अपन पेट से ना अपना खाना छोड़ के तोरा खिये लियो, कि तू खेबे हम भूखे रह जा लियो, भाई सास ससुर के देल जमीन बारी सब बेच दे लियो, कि हमारे जो यानी तोर दादाजी जो हथुन यानी हमारे सास ससुर ओकर जो देवल जो जमीन है खेत बाड़ी सब सबके बेच दे लियो और तोरा पढ़े लियो, तोरा मतलब कौन हिसाब किताब से हम पढ़े लियो हम ही जाने थियो रे, तो वही तोरा हम बेकारे बढ़े लियो, नाय खा के तोरा खे लियो, तब सोच ली तुम पढ़ तुम मानुष हो किंतु, ठीक है, कि तू अच्छा आदमी बन, लेकिन यही बोला कि लेकिन, तब शंभू बोले है किंतु माय हाँ लेकिन तू कह एकनु हमार मानुष होते कसर है, मतलब अभी भी हमारे मनुष्य होने में कोई दोष है, बताओ कि हमारा अभी मनुष्य ना ही है, मानुषिक धर्म पालन की हम ना कर रही है, मनुष्य का जो धर्म है वो हम पालन ना कर रही है, हम कहियो तोरा अपमान कर ले हियो, बताओ कि तो कहियो दियो अपमान कर ले हियो, कोनो बात कहियो दुखे दे ले हियो, ऐसा कोनो बात बोल ले हियो तोरा जेकर से तोरा दुख भेले हो, नहीं नहीं तोरे ना किकरो भी बोल ले हियो इस तरह से ऐसा बात जेकर से तोरा दुखे भेले, हाँ रानी रूड़ू दीन दुखी संपत्ति हड़प ले जे डायन ऐसा डकाए बोले, किकरो में ऐसा है रानी उसमें बोला है कि किसी विधवा उधवा का ऐसा किकरो जमीन उमीन हड़प ले ही है हम, जे तू इस तरह हमारा बोला है कि तू मनुष्य ना है, जे बातें ठीक ना है ओकरा तो मनुष्य बुझे है, जो बात ठीक ना है ओकरा तो क्या है मनुष्य बुझे है, ये बता रहे वो, तो तू ये जाना ही ये तो भूल हो, मनुष्य भेले हृदय चाहिए, कि मनुष्य जो है मनुष्य की क्या चाहिए, हृदय चाहिए, जिसके पास हृदय है वही यानी उसके पास मतलब लोगों को भला करने के लिए ही चाहिए, हृदय कहने का मतलब है कि लोगों को मदद कर सके वही मनुष्य है, दीन दुखे के ऊपर प्यार चाहिए और ना तो मनुष्य ना गोरु, ठीक है, कि एक जानवर और आदमी में क्या फर्क होता है, ठीक है, कि मनुष्य के पास क्या आता है तो उसके पास है ना अनुभव होता है, ठीक है, फीलिंग्स होता है, मतलब किसी चीज को समझ सकता है, दर्द महसूस कर सकता है, जानवर के पास ऐसा नहीं हो सकता है, गरीब है गरीब को यदि मदद करते हैं तभी तो मनुष्य के गुण आएगा, जानवर जैसा क्या करेंगे, वही बोला कि न तो वो गोरु है जानवर है, तो मनुष्य और गोरु में फर्क ना, ये बताता आगे। तब सुहागे बोलती है कि नाय बेटा नाय तो उल्टा बुझे हा, हम तोरा ई नाय कहले हलियो, कि ई बात हम तोरा नाय कहे थलियो, कर माने हमर कहे मतलब ई ना हलो, हम तोरा सके आंखी कैसे देखी, हम की तोरा ना जानी रे, हम तोरा ना जाना हियो, तोर ऐसन गुणवान चरित्रवान बेटा पाए के हम अपन भाई के मन में ही, कि तोर ऐसन गुणवान है ना धनवान बेटा मान करके हम अपन के चरित्रवान हम अपन भाई के मन में ही, ठीक है, भाई के मन में, किंतु आज युगे बाचे खातिर टका चाहिए, लेकिन आज क्या है कि युग में चले खातिर पैसा चाहिए टका चाहिए, सब कुछ ऐसे नहीं चले, तो समझो टका हम जाना ही माय, टका हम जाना ही, टका ना भेले मान ना, ठीक है, सम्मान ना, ठीक है, किंतु की करी जब तक नौकरी ना हुए, ठीक है, जब तक नौकरी ना हुए तब तक की करी, यही बोल रहा है कि हम क्या करें, कौन बोल रहा है अपना दुख को, तो शंभू बता रहा है। सुहागे बोलती है हम तो नौकरी यह करे कहियो बेटा कि कोई नौकरी मिल जाओ छोड़ बार ओकरा तू का कर ले, शंभू किंतु नौकरी मिले तब ना, कि नौकरी मिले तब ना, सुहागे इतने बड़ तब तो सुहागे बताती है कि इतने बड़ झारखंड है, झारखंड में इतने कोलफील्ड है, कोलफील्ड है, झरिया है, धनबाद है, सिंदरी है, माराफारी, माराफारी कहाँ बोकारो में पड़ता है, माराफारी है, लाख लाख लोग के काम कर रहा तो तोरा काम नहीं मिलता, इतने लोग के काम मिले तो तोरा काम नहीं मिलता, वही बोले कि किंतु तोर खातिर एक छोटो मोटो सौ 50 टका के काम नहीं मिलता, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कितना टका काम करे बात करते 50 टका, तो 50 टका के काम नहीं मिलता, समूह बोलता है क्या कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी आज अपन लोग के पूछ है, यहाँ के जो लोग हैं बड़ बड़, ठीक है, जो वहाँ पे काम करते हैं वही लोग अपने रिश्तेदारी नातेदारी वाले वहाँ पे क्या करते हैं, हाँ वहीं पे ढुका देते हैं, नौकरी खाली हुए है किंतु अफसर
है ना, सभी अपन लोग अगुए से नंबर लगा के बैसल है वहां पे। ठीक है, नौकरी खाली हुआ है, सीट वैकेंट हुआ है, लेकिन जो लोग वहां पहले काम कर रहा है वो अपने अपन लोग के पहले नंबर लगा के क्या है बैसल है कि जैसे ही खाली होगा ये घुस जाएगा। आज सब ऑफिसे अपन अपन झंडा गार्ड के पालथी मार के अजगर ऐसन बैसल है कि ठीक है कि सारे ऑफिस में जैसे सारे लोग जो हैं वो पालथी मार के अजगर के रूप में क्या है बैठल है। तो अजगर का मतलब क्या होता है कि जो है ना बड़े तबके के लोग होते हैं जो नीचे वाले को क्या करते हैं शोषण करते हैं। हमने अजगर नाटक को बहुत अच्छे से पढ़ा है समझा है जो कि लिखा गया था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। यदि जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके देखिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से है ना पूरा डिटेल से समझाया है तो उसको आप जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो अजगर का मतलब वहाँ पे पूरा अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बोला कि यहाँ समाज में अजगर पालथी मार के क्या है बैसल हत। सुहागी बोलती है आगे, हिम्मत ना हार बेटा। ठीक है कि हिम्मत ना हार, मेहनत कर, वही मेहनत कर, एक बार जो देख यदि कोई बाबू भैया दया कर थू, एक बार जो देख वहाँ पे कोई यदि बाबू दया कर मतलब बाबू भैया थोड़ा मदद कर थू दया कर थू तो कहीं नौकरी को लगे तो 50-100% के ठीक है हो जो, ताकि गरीबी से कुछ तो छुटकारा होता। तो इस तरह से कह करके सुहागी ठीक है जो शंभू को क्या करती है भेजती है और शंभू वहां से आज चल जाता है, बोला अच्छा जा ही। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये दूसरा दृश्य भी खत्म हो जाता है। तो आगे देखिए इस चाबी काठी नाटक का हम लोग तीसरा दृश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा दृश्य में क्या है, बाबा एक है। ठीक है, बाबा क्या है तो गाँव का एक बूढ़ा है। ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस को बताता है, अपने बातों को बताता है, अपने अनुभव को बताता है। वो अपने जमाने का क्या है हीरो था, अपने जमाने का उसका चलती चलता था। वो अपने नाती को बताते रहता, नाती कौन है तो उसको गांव का एक लड़का है जो इन दोनों में चीज में क्या था बातचीत होते रहता है, जो कालू राम के बारे में बातचीत करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये तीसरा दृश्य है। तो बाबा बोलता है, आजकल तुहनी जुआन छोड़ा सब हम इनके कुछ बुझबे ना करा। ठीक है, यानी वो जो है बाबा वो अपने नाती को बोल रहा है कि आजकल के तुहनी जो जुआन छोड़ा है ठीक है जो युवा है वो क्या होता है बूढ़ा लोग को कुछ गिनता ही नहीं है समझता ही नहीं है। हमने ऐसे रोदे चूल नहीं पकौले ही रे, वो बोल रहा है कि हमें इतना ही ऐसे रौदे में अपन चूल जो है पकौले नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोग रौदा में मतलब अपना बूढ़ा भी हो गया, मतलब ये सारा चीज को देखते हुए समझते हुए अनुभव को बता रहा है कि ऐसे ही हम कि हमारा उम्र जो है वो ज्यादा भी हो गया है। जाने यह उम्र कते कते नहीं देख ली, मतलब इस उम्र में हम क्या नहीं देखे। ठीक है, क्या क्या नहीं देखे, कते कते लोग उजड़ गया और कते कते लोग बन गया कि कितने लोग यहाँ पे जो थे ऐसे क्या हुआ गरीब से अमीर भी बन गए और कहते कहते जो अमीर था वो क्या हो गया फकीर बन गया यानी गरीब हो गया। कि हम सारे लोग को यहाँ पे अपने देखे अपना समय के हम भी क्या थे मतलब हीरो, समझिए ऐसा बोल रहा है वो किसको तो अपना नाती को समझा रहा। अब नाती भी उससे कम नहीं, नाती भी पूछता है तो और की देख ले बाबा बताओ, वो भी कम नहीं है बोलता है कि और की तू देख ले मतलब और का देख ले। बाबा बोला सुन थिराय के है ना सुनाइयो हम तोरा दुनिया के दारी की बात सुनाओ, यानी तुम आराम से सुन ठीक है अस्थिर होकर सुन हम जो तोरा दुनियादारी के बात सुनाओ भाइयो। आगे बोला कि पोथी लिखल ई गुला ना पाइबे जे तू हमर ठिन पाइबे, पोथी में भी तोर पास ना मिलतो बड़ा बड़ा लिखल जे हम तोरा बता देबो उसे। ठीक है, ये बात बताता है कि ई गुला हमर ऐसन बूढ़ पुरनिया ठिन पाइबे, वही कि हमर जून जे तू मिलता वो पोथी में भी तोरा नहीं मिलतो। नाती तो नाती और उसको बोलता है अच्छा ठीक, तब बाबा ये हमारा बताओ कि हाँ बाबा कालू राम के भीख मांगते मांगते हियाँ आयल हल है तो तुरते इतने बड़ धनी कैसे बन गए कि कालू राम के बारे में बताओ, कालू राम सुनाइए कि यहाँ आयल है तखन ठीक है बहुत गरीब है लेकिन आखिर इतना अमीर कैसे भेज गए तब। ठीक है, बाबा ओकरा बतावा कि कालू राम के बारे में, तो कालू राम कौन था तो कालू राम एक ठीक है सुदखोर महाजन जमींदार था, हमने सब इसके बारे में बताया था आपको। तो बाबा देखिए बाबा बोलता ओहटो सुनाओ ही रे वो का, ठीक है वो थोड़ा बतावा ही हो कि पहले जे दिन हियाँ आयल हल कि जे दिन हियाँ आयल हल से समय लुगा ना हल है ना लुगा ना हल दही पर मतलब शरीर पर दही का मतलब शरीर पर लुगा भी ना हल यानी एक कपड़ा भी ना हल सड़के धारे भूखे प्यासे हल एगो गाँस के तरे बैसल, यानी भूखे प्यासे जो था एक गाँस के नीचे क्या गाँस मतलब पेड़ के नीचे बैठल हल। ठीक है, जेठ के महीना दिन हल ठीक है क्योंकि बहुत गर्मी चल रहा था तो उसे जेठ के महीना था भूखे प्यासे शरीर पर एगो ठीक है कपड़ा भी ना हल और वहाँ पे बैठल हल है। तो याद रखेगा जेठ का महीना है ना लूक चले हल एकदम, क्योंकि जेठ का महीना में हम लोग जानते हैं जी सबसे गर्म महीना होता है तो ये गर्म का महीना पूरा लूक चलते रह और वो गाछ के नीचे बैठल हल और लूक के चलते वो क्या हो गया पूरा झमेर गया है मतलब पूरा झूलस गया है क्योंकि कहते हैं लूक मार रहा था आपसे उसे लूक उसको मार दिया था। हमने दौड़ा दौड़ी कर पानी लापा
थपी कर लिए, खेलिए पी लिए, तकरे बाद है ना होश में ले, यानी अगर पूरा गया सब गांव के, क्योंकि वहां पे जाकर झमर गया तो कोई भी यदि गांव में आदमी झूला जाता है या कुछ भी किसी को जाता है तो गांव के लोग ऐसे होते हैं जाके उसको देख रेख करना चालू करते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ पूरा जांच पड़ताल करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो गया वहां पे पानी वानी पूरा माथा में सब लगाया है ना, कि पानी वानी पूरा डाला उसको, थोड़ा सा छीटा उटा तो थोड़ा सा होश आया, कि खाना वाना खिलाया उसको इस तरह से। उसके बाद महतो सब जो था, ठीक है, क्योंकि वो गांव था तो गांव में ना महतो लोग था, तो महतो लोग उसको क्या किया अपना गोरखिया बना लिया जानवर को चराने के लिए। वही बोला आगे कि महतो सब काड़ा है ना बगाल गोरखिया रखल थी, मतलब कि काड़ा लोग को देखने के लिए गोरखिया उसको रख लिया। तकर बाद उसके बाद धीरे धीरे दो तीन बछड़े सनसनाए उठले, यानी धीरे धीरे क्या हो गया जब खाया पिया तो थोड़ा सा शरीर भी उसको क्या हो गया बन गया। दिन भर तो महतो को काड़ा टेके हल, ठीक है, दिन में वो क्या कर रहा था कि महतो लोग को जो काड़ा था वो सब जानवर को चराने जाता था, देख रेख करता था, और रात में ठीक है मैड़े बहियार खेते धान, यानी धान को देखता था, उगारी करता था, क्योंकि गांव में क्या होता कि जंगली जानवर हो या फिर समझिए कि जो घरेलू जानवर होते हैं या सुअर उवर आके धान को खाता रहता था, उसको देख रेख करने का काम करता था वो, ठीक है, ताकि वो बाहरी जानवरों से बचा रहे धान। और उसके बाद फिर बोल रहा कि अब सूधे टक्का लगावे लगलग, उसके बाद वो सूद जो उसके थोड़ा सा इनकम उनकम हुआ, जो उसका पैसा वैसा हुआ उसे हुआ वो इनकम है ना वही सूद लगाने लगा, ये बोला है ना भौरी करे लगा। पांच बचर भेते भेते यानी पांच साल होते होते ठीक है तो दुकानदार बन गए, और पांच साल तक याद रखना है कि पांच जब कलूराम आया था तो बहुत गरीब था, लेकिन पांच साल होते होते वो दुकानदार बन गया, और आज देखते देखते कि गहगही, गहगही मतलब बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, अगर पास आप कुछ चीज की कमी ना है, इस तरह से बोल रहे हैं कौन, तो बाबा बता रहे कि कर तो अपन नाती के, ठीक है, नाती को बता रहा है कि कालूराम कैसे कैसे एले। तो यहीं पे ये जो तीसरा दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। आगे देखिए इसका चौथा दृश्य, ठीक है, चाबी काठी है एकांकी नाटक का चौथा दृश्य, ठीक है, चाबी काठी का मतलब क्या होता है, चाबी और ताला। तो इसका चौथा दृश्य में हम लोग शंभू के बारे में जानेंगे, शंभू क्या है, शंभू एक पढ़ा लिखा लड़का है यानी क्रांतिकारी युवक है, है ना। दूसरा दृश्य में हमने पढ़ा था कि उसकी माँ जो सुहागी थी वो बोलती थी बेटा तुम जाओ कहीं का जाके काम करो, ठीक है, झरिया में कोल फील्ड में बोकारो है ना मारा फारी इस तरह से कहीं पे जाओ और काम करो। तो वो जाता है, तो अब चला जाता है कहाँ पे, धनबाद, धनबाद जाता है और वहाँ पे उसको सोचने लगता है, ठीक है। तो यही चौथा दृश्य में वो चीज़ को समझाया गया दिखाया गया है। तो शंभू जो है अब कहाँ जाए, वो सोचने लगता है अब हम कहाँ जाए इतने बड़ धनबाद, क्योंकि वो धनबाद जब पहुँच गया था तो धनबाद छोटा नहीं है, वही सोचने लगता है अब हम कहाँ जाए, क्योंकि उसके लिए वो क्या जगह रहता है, नया जगह रहता है। तो अब हम कहाँ जाए इतने बड़ धनबाद, किंतु जानल सुनल है ना एगो लोक नाय है जेकर ठीन डराए के दूगो बात करी, कि यहाँ पे धनबाद में हमारे कोई भी जान पहचान का नहीं है जिसके पास हम जाएं और अपना एक दो बात को भी बोले खड़ा होकर के, ऐसा भी वो ठीक है सोच रहा है मन मन। और वो आगे बोल रहा है कि किंतु मन मन भी सोचता है कि किंतु राति से वो क्या है जागल है, राति से वो क्या है जगा हुआ है। आगे सोचता है चौधरी जी के पास जाते हैं, क्योंकि चौधरी जी के पास फिर बोलता ना 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 चौधरी जी वो तो अब देहात दिगो ताकियो ना देखा है, क्या तो देहात की तरफ एक जरा देखबो ना करत, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। फिर सोचता आगे कि एगो बेचारा बावर्ची है, ठीक है, एगो बावर्ची है जो क्या करता था खाना वाना बनाता था, कि एगो बेचारा बावर्ची है जे काबलिक भात बना पकावे है, ठीक है, मतलब वो भात उत बनाता था वही बता रहे हैं, किंतु ओकर आपने ठीक ना, फिर बोला ना उसके पास नहीं जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं रहा, मतलब वो मन ही मन सोचते रहता है कि अब हम कहाँ जाएं किसके पास जाएं, ठीक है, तो मन में उसके पास विचार आता है कि उसके पास जाएं, फिर सोचता ना वो सही नहीं रहेगा, इसके पास जाएं नहीं ये भी सही नहीं रहेगा, वो मन ही मन सोचते ऐसा रहता है, किंतु ओकर अपने ठीक ना है ऐसा बोलता है। मन ये मन और कहे देर करी है ना, तो बोला अब कहाँ देरी करी चलो सोचते हैं। फिर बोलता कि चले टिसने रात काटे, फिर आगे सोचता कि चलो चलते हैं यहाँ कहीं रहने की जगह नहीं है तो कहाँ चले जाते हैं टिसने, टिसने का मतलब क्या होता है तो रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन की बात बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन याद रखना को टिसने जाके वहाँ। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमारा पेट कर रहा है, वो बोलता है कि वहाँ जैसे जाएंगे तो सिपाही लोग तंग करेगा किधर आ गया है, इसलिए ओकर से ज्यादा हमको तंग तो अपना पेट, क्योंकि वो जब गया था धनबाद तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, पूरा भूखे था वो है ना, पूरा क्या था वो भूखे था। तो आज बेचारा के कुछ ना दे ले, वही बोल रहा है कि आज पेट के आज हम इस बेचारा पेट को कुछ भी दे ले ना ही। ओह अब तो पेट के जलन ना सहल जाए, आगे बोलता ओह अब तो पेट के जलन ना सहल जाए, भला गोटे दिन पानी पी पी के आज है ना मांगे हो बत, वही बोला कि कैसे मतलब गोटे दिन पानी पी पी के कैसे रहा, हाँ आखिर ये पेट को भी तो कुछ देवे पड़ेगा ना, तब बोला कि आज हमको मांगे पड़ा। तो वही उसका याद आ जाता है लाइन कि गरीबी ऐसा कि हाँ गरीबी जो है वो क्या है कि ऐसा बीज है कि झारले ना झरे, तब उसको याद आता है कि सांप एक बीज झरे लेकिन गरीबी के बीज ना झरे, क्योंकि हमने पहला दृश्य में पढ़ा था कि वो बताता है कि गरीब होना सबसे बड़ा क्या है पाप है,
ठीक है, लोग उसको मूर्ख को मूर्ख समझते हैं इस तरह, तो उसको अपने आप में ये सब सब चीज सोचने लगता है, याद आने लगता है। फिर आगे सोचता है कि केकर से मांगी हम, ठीक है, केकर से मांगी हम के हमार ऐसा जुआन लोग के भीख दे। आगे सोचता कि के हमार ऐसा जुआन यानी युवा, क्योंकि वो क्या था, यंग था, बीए कंप्लीट था, पढ़ा लिखा भी था, तो कौन उसको इस तरह से भीख भी देगा, जो जिसके पास जाएगा वो भी उसको दुत्कार के क्या करेगा, बाहर भगा देगा। झूठे दुगो बात कहता, वही बोला कि झूठे दुगो बात कहता, पासो ऐसा कुछ ना जेकरा बेचिए, वो बोला कि हमारे पास ऐसा कुछ चीज भी नहीं है जो हम उसको क्या करें बेच सके। तब वो अपने पैकेट से निकालता है, देखता है उसके पास एक क्या है, पेन है, तो कलम है, वही कलम देख करके बोलता कि हाथ से, ओह कैसे है ना, हमर पीर कलम एक से तो हम बीए पास कर ली, ये हमर बंधु एकरा बेचे हो, वही बोला कि ये हमारे क्या है, ऐसे पेन निकाल करके बोलता कि ये हमारे पेन है, इकलो हम क्या करेंगे बेचना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बेचना पड़ेगा। फिर सोचता है कि ये हमारा, इसे हम बीए पास किए, ये हमारे सबसे प्रिय है। फिर मनी सोचता है कि ये हमर बंधु है, फिर एकर हम ना बेचब, फिर सोचता है कि एकरा हम ना बेचब, आज भीख मांगे हो, वही बोलता है कि एकरा हम ना बेचब, आज हम भीख मांगे हो, कि मनी मन अपने उसको मतलब निकलते रहता है कि ऐसा कुछ सोचते रहता, किंतु आज हम लाचार, ठीक है, आज हम लाचार प्राण बचवे हो, कि आज हम लाचार हैं, प्राण हमारा क्या होगा बचवे हो, माँ आशा लगा के बैसल हो, क्योंकि उसकी माँ भेजी थी कि जो बेटा तन कुछ वहाँ कमो उमो, तो उसी के लिए वो क्या गया, बाहर गया था, धनबाद गया था, तो वही बोला कि माँ के हमको आशा बचवे हो, आज हमको मरना नहीं, इसलिए हमको प्राण बचाना पड़ेगा, ठीक है, माँ की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, वही ना कि माँ आशा लगा के बैसल हो, देवी देवता के मनावे होते, क्योंकि जब किसी का बेटा कहीं जाता है तो उसकी माँ जो होती है वो क्या होता है, वहाँ भगवान से प्रार्थना करते रहती है कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सुख से रहे, शांति से रहे, इस तरह से देवी देवताओं क्या करते हैं, पूजा करते रहती है, ये हरे माँ का, ठीक है, परंपरा है जी, ये इस तरह से मतलब उस तरह की होती ही है नेचर वाइज, ठीक है, उस तरह उनका ना स्वभाव ही हो जाता है कि हरे माँ, माँ क्या होती है, दयालु होती है, तो वो ऐसा मन में सोचते रहता है कि चलो कि माँ ऐसा सोच रही होगी, आगे चल जा, और उसी तरह से वो क्या होता आगे चला जाता है, कौन, शंभू। और इसी तरह से ये चौथा दृश्य यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो देखिए इसका अगला दृश्य जो पांचवा दृश्य है, पांचवा दृश्य में शंभू है, शंभू क्या है, एक पढ़ा लिखा लड़का, ये भी हो गया। राघव इसमें एक नया आता है, राघव क्या है, शहरी युवक है, जो कि शंभू को उसको क्या खजा वहां पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद रतिराम, रतिराम क्या है, तो धनबाद शहर का एक बाबू है, जो शंभू के अपन घर एक छोवा पढ़ावे लेके बुलाता है, यानी जो जब शंभू वहाँ पे धनबाद में रहता है तो उसको कुछ काम नहीं मिलते रहता, तो ये उसको बुलाता है, ये पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए कि अपने चलो मेरे घर जाके हमारे बच्चे लोग को क्या करो पढ़ा दो, ठीक है, जब उसके बारे में जानता है, किसके बारे में, तो शंभू के बारे में। तो चलिए इस नाटक का हम लोग पांचवा दृश्य को समझते हैं। तो शंभू जो है एक दुकानदार के पास पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा भूख लगा रहता है, हम लोग चौथा दृश्य में पढ़े, उसका पूरा क्या है भूख लगा हुआ रहता है, तो वो एक दुकानदार के पास जाता है वहां पे, ठीक है, खड़ा रहता है, तो वहीं पे राघव और रतिराम दोनों वो भी दुकान के पास आके खड़े रहते हैं, वो लोग भी कुछ सामान वामान खरीद रहे होते हैं ऐसा। तो उस तरह से शंभू, भाई एक सवाल है, तो ये जो शंभू है वो राघव से बोलता है कि भाई एक सवाल है, तो राघव क्या बोलता है, सवाल बवाल रात में नहीं, क्योंकि रात का समय था ना वो, ठीक है, तो कि सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा खट्टा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती, ठीक है, शर्म नहीं। देखिए ये जो नाटक है ना वो खोटा में भी है और हिंदी में, दोनों में थोड़ा सा मिक्स करके लिखा गया है, तो उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे भी, कहीं कहीं खोटा भी मिलेगा, कहीं कहीं हिंदी में, तो ये पूरा यहाँ पे वाद विवाद जो है वो हिंदी में ही हो रहा है। तो भी बोला सवाल बवाल रात में नहीं और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को है ना सवाल करते शर्म नहीं आती, तब शंभू क्या बताता है कि कुछ पहले तक शर्म आती थी, कि कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच भी होता था, किंतु अब नहीं। रतिराम सामने खड़ा था, और रतिराम क्या दोनों साथ में थे तो बगल में खड़ा था, बोलो जी क्या बात है, तो वो बीच में टोक करके बोलता है बोलो जी क्या बात है। शंभू बोलता है बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर से कुछ खाया नहीं है, दिन भर से कुछ खाया नहीं है, भूख से देह थर थर काँप रहा है, भूख से क्या देह थर थर है ना काँप रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा बोलता है कौन, शंभू। राघो कहाँ घर है जी, वो बोलता है कहाँ घर है, तो ये है ना इसी जिले के लगते हो, कि तुम्हारा घर कहाँ, इसी जिले के लगते हो। शंभू हाँ बाबू मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, मैं इसी जिले का क्या हूँ, रहने वाला हूँ, शंभू ऐसा बताता है। तब राघव बोलता है इसी है ना इस जिले के लोग बड़े कोरही होते हैं, कोरही मतलब कामचोर होते हैं, काम वाम करना होता नहीं है, थोड़ा सा इन लोग का काम मिल गया तो फिर आगे काम नहीं करते हैं, ठीक है, उसी में रह जाते, वही बोला आलसी होते हैं, आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो दुख भोगेगा कौन, कि यदि थोड़ा सा कमा लिया तो फिर आगे काम नहीं करेगा तो दुख भोगेगा कौन, ऐसा बोल रहा है राघव। हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए
ये बोला कि हम तुमको काम देते हैं यदि तुमको पैसा चाहिए तो उठा इस गांठ को। उसके पास एक गांठ रहता है ना, क्योंकि वो कहीं से आते रहता है तो उसके पास हाँ मोटरी टाइप से कुछ रहता है सामान। बोला कि इस गांठ को उठाओ और चलो स्टेशन जाएंगे। कहाँ चलना है? स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, जितना मैं तुमको दूंगा उतना के मैं तो टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए मैं पैदल चल लूंगा, क्योंकि तुम्हें काम चाहिए, तुम्हारे पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ है ना कि पैदल चल लूंगा, तो उठाओ। शंभू बोलता है क्षमा करेंगे बाबू। क्या बोलता है? क्षमा करिए बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगे को देखा होगा। क्या बोला? आप इस जिले के भिखमंगे को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे हमें बोला यहाँ के लोग क्या होते हैं, कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं, कमजोर होते हैं, कामचोर होते हैं, तो यही बोल रहा है कि है ना आप जिले के भिखमंगे को देखा होगा, यहाँ भी आदमी रहते हैं। लेकिन अच्छा बाबू, आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे चार आने पैसे दे दे तो। बोले कि आपने कृपा की है कि हमें चार आने पैसे दे दो तो कुछ खा लो उसके बाद चलो, ठीक है, कि आप सामान हमारे लिए बोलो उठाने के लिए तो हम उठा चले जाएंगे, लेकिन कुछ खाने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। राघव बोलता है अरे कहीं भाग गए तो, ठीक है, हम तुमको पैसा दें यार तुम भाग गए तो। शंभू बोलता है अच्छा बाबू चलो, ठीक है, अच्छा बाबू चलो। और मन भी बोल में बोलता है माय गॉड, हे भगवान, मतलब माय गॉड, ऐसा मन में कहते हुए सामान उठाने लगता है इस तरह से, मतलब बोलता है वो अच्छा है ना। शंभू बोलता है अच्छा बाबू चलो, ठीक है, और वो बोलता है कि माय गॉड हे भगवान, माय गॉड हे भगवान कहते हुए उठाने लगता है। तब रतिराम बोलता है तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी, ठीक है, क्या बोलता है? पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो। शंभू बोला कि हाँ से हम बीए पास हो बाबू। कितना बताता वो? बीए पास है। रतिराम बोलता है आगे ऐसी बात है आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी, ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी, देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम करो, कल से क्या करो हमारे स्कूल में काम करो, ठीक है, लो 200 रुपया। वो रतिराम जो है 200 रुपये उसको निकाल के देता है किसको? तो शंभू को। और बोलता है किसको? तुम घर भेज दो। घर क्यों भेज दो? क्योंकि उसके माँ के लिए भी जरूरत था, वही घर भेज दो। हाँ अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता है, आगे बोलता है तो तुम हमारे स्कूल में ही क्या करो रहो, ठीक है, मैंने होटल वाले से कह दिया, खाना पीना भी सब कुछ वहीं तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से क्या करता है कि शंभू को जो वहाँ पे धनबाद शहर में काम खोजने के लिए जाता है उसको है ना ये जो रतिराम है वो क्या करता है अपना है ना घर उसको ले जाता है रसकुल स्कूल में पढ़ाने के लिए वो कर देता है, ठीक है, तो ये था। तो इस तरह से ये पांचवा दृश्य भी यहाँ पे, तो चलिए जी ठीक है इस नाटक का छठा दृश्य हम लोग पढ़ते हैं। छठा दृश्य में क्या है? तो कालू राम और संतु के बीच में बातचीत होता है, ठीक है। कालू राम क्या है? तो एक सुदखोर है, महाजन है, ठीक है, जो कि साहूकार है, जमींदार भी है, पैसा सूद पे लगाते रहता है, ठीक है। ये संतु क्या है? तो उसका एक लठाइत है, ठीक है, यानी एक तरीके से सैनिक है, उसको सैनिक नहीं बोल सकते, वो उसको मदद करते रहता है, ऐसा समझिए। संतु क्या है? तो कालू राम का लठत हो गया। श्रीपति एक ग्रामीण है और मंगला भी एक क्या है? ग्रामीण है। तो कालू राम संतु से कहता है, ठीक है, कालू राम जो है वो संतु से कहता है कि जो संतु, ठीक है, जो तो मंगला के डायकान, ये जो तो मंगला के बुला के ले रहा धान काटल माड़ल भे गए, धान जो है काटल माड़ल यानी सब चीज बांधल उधल हो गया है कंप्लीट, ठीक है, किंतु हमारे टका कोनो चिंता ना, कि हम अगर पैसा दे ले लिया से अभी तक वो दे लेना है, क्योंकि जो कालू राम क्या है, तो कालू राम एक सुदखोर है, यानी पैसा लगाता है किसी को, ठीक है, देता है, तो वही दिया हुआ था किसको? मंगला को, लेकिन मंगला अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है। तो ये घरे ना रह, अब बोलता है संतु को बोलता है घरे ना रहता तो ओकर बेटा के कैदी है, ओकर बेटा के भी जाके कैदी है, हाँ इले पटाए दे कि हम बेस कह के छोड़ दे ही तो वो फूल जाए, यानी ना होता तो घरे बेटा के कैदी आवे ले, लेकिन किकरो किकरो आना है, ठीक है। संतु बोलता है अच्छा मालिक जा ही, और संतु वहां से चला जाता है। जैसे संतु जाता है तो उसके बाद श्रीपति आता है, तो श्रीपति क्या है? तो श्रीपति भी गांव का एक क्या है? ग्रामीण है, वो आता है उधर से। श्रीपति बोलता है जोहार मालिक, ठीक है, जोहार मालिक किसको? कालू राम के। कालू राम, श्रीपति आज बहुत दिन के बाद आई, क्या बात हो, ठीक है। श्रीपति हाँ मालिक, ठीक है, आजकल घरे ना रहे ही तभी तनी आवाजाही कम हुआ है, कि घरे आजकल ना रहे इसके कारण से आवाजाही कम हुआ है। तो कालू राम बोलता और चासवास, चासवास मतलब जैसे जोता उता है जो खेत बारी करे वो कह के करे हो, तो बोलता कि भतीजा करे, श्रीपति बोला के कि हमारो भतीजा करे है। कालू राम तागो बोला तो आज इस दिगे कैसे ले, कि आखिर इस जो है इस दिगा में कैसे ले तू? तो श्रीपति थोड़ा सा, ठीक है, टका चाहिए मालिक। श्रीपति का बोला है कि थोड़ा टका चाहिए मालिक भतीजा के ब्याह करे, क्या करेगा? भतीजा का ब्याह करे। कालू राम जरूर जरूर, ठीक है, हम ई काम बाधा नहीं देवो,
ठीक है, ई काम हम बाधा नहीं रोक करबो। हाँ ई तो तोर अपने घर जितना अपने घर हो, ई तो तोर अपने घर हो जितना चाहिए ले ले, ठीक है, ई तो तोर अपने घर हो जितना पैसा ले ले, टका ले ले, ताही कहे बोला तू कहे ले, ठीक है, गांव केकरा ना दे ले ही हम, वही बोला कि हम गांव में केकरा ना दे ले, हम सब एक देवा ही भाई। तब वो थोड़ा सा सोच लेता है, कौन कालू रामा, फिर बोलता है कि पाछे आगो कुछ तोर बाकी हो, कि पाछे के भी तोर कुछ बाकी हो, दिले ना ही लगा ही, ऐसे बोल रहा है कालू राम केकरा, तो श्रीपति के। श्रीपति बोलता है ना मालिक, ठीक है, हम एकदम छेदाम छेदाम वसूल कर दे लियो, छेदाम छेदाम कहने मतलब पूरा पाई पाई वसूल कर लियो, हमारे पास एक रुपया ना बचल हो, यानी एक टक्का भी हमारे पास, ठीक है, नहीं बचल हो, हम सब तुरंत छेदाम छेदाम वापस कर दे लियो, घुरा दे लियो वापस, यही बोल रहे हैं कालू राम। वसूल कराए तो ठीक हो, लेकिन खसिया नए दे लो, ठीक है, वसूल कराए में तू खसिया नए दे, खसिया मतलब खसी, ठीक है, ठीक है, बकरा जी, वही बोला कि खसी तू नहीं देले होवे, हम तकनी कहले है ना हलियो कि एगो खसी लगता, का बोले हलियो एगो खसी लगता, तू नहीं देले हो भी सहे से बाकी होता, नहीं तो खताए ना चढ़ले रहता, हम ऐसे बोले हलियो कि दे देवे तो ठीक हो, आ नहीं तो तोर, ठीक है, जो हो बाकी होगी सब खत्म चढ़ले रह जाता, काट पिटना होता तो पैसा बढ़ते रह जाता, यही हो। तब श्रीपति बोला नहीं मालिक उठा नहीं पारबो, खांसी हम देवे नहीं पारबो, ये बहुत बड़ी चीज, हम नहीं देवे पारबो खांसी। तब कालू राम कहे ना कहले कैसे चलता, ना कहे से कोई उपाय ना हो, देवे पड़ता वही हमने, यह तो लाभ है कि हम इनके यह लाभ है, पैसा तो दे देवे ही ठीक हो, लेकिन लाभ हुआ हमारे कहाँ से मिलता है, तो खांसी वाई एक्स्ट्रा लेवो तब है ने, वही बोल रहा है कौन कालू राम। अब बाहर देख के बोला आवाज देता है, रे फैकरा सादा कागज टीप ले ली हो, ठीक है, तो फैकरा के है, तो फैकरा जो है वो कालू राम के क्या है, मुंशी है, याद रखिएगा कि फैकीरा जो है क्या है, कालू राम के मुंशी है, ओकरा आवाज देवे कि दो चार को क्या है कागज ले ली है ना। फैकीरा आवे है और चार पांच को सादा कागज ले लावे, वो आता है चार पांच क्या करता है कागज ले ले आता है। श्रीपति कते टीप लेबा बाबा, टीप कितने लेबा कालू राम, हम तो आर बेमानी ना कर रही हो, हम तोर से बेमानी ना कर रही हो, ठीक है। श्रीपति टका टका गांठे बांधे है, ठीक है, जो उसको पैसा मिलता है देता है कालू राम, वो अपना गांड बांधता है और चल देवा है, और बोला राम राम कह के चल जाए वहां से। कालू राम मने मने बोलता अबरी बेटा हीरे टाए बड़े दिन से आए खल है, ठीक है, कि आगे कालू राम बोलता है कि अबरी बेटा के हीरे टाए बड़े दिन से आए खल है, मतलब उसके किसी चीज पर उसको ध्यान रहता है कि अबरी हम इसको ले ले लेंगे, ठीक है, इस बात पे। तो यहीं पे इसका छठा दृश्य क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे देखिए इसका सातवां दृश्य, सातवां दृश्य में क्या है, तो कालू राम जो है वो जनता के सामने वो मुखिया में खड़ा होता है, ठीक है, तो जनता लोग को संबोधित करते रहता है, बताते रहता है कि कैसे उसको वोट देना है, कैसे उसको जिताना है, इस बात पे इस पे, ठीक है। कालू राम क्या है, सूदखोर है, महाजन नहीं है, और इसमें एक जादू जो है, जादू यानी नाम है पर्सन का, वो क्या ग्रामीण है। इस नाटक में क्या कि जो दृश्य बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें जो पात्र हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सारे लोग को याद करते जाना कि कौन क्या है, क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जादू विकर में की हल है, ठीक है, मंगला के हल है, श्रीपति के हल है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जो कि इस पात्र से ही डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है, तो आपको सारे पात्र को इसलिए मैं एक एक करके सारे बता रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि लाइन लाइन सारे याद हो जाए, ठीक है, पात्र को। तो चलिए समझते हैं इसका सातवां दृश्य को। तो कालू राम जो है वो जनता को बताते रहता है कि भाई साहब हम मुखिया खातिर डराए ली, यानी मुखिया हम क्या है खड़ा हो ली, ठीक है, हम आशा कर रहे तुहिन हमारा वोट दे के जीतेबा, कि तुहिन हमारा वोट दे के क्या करबा जीतेबा, जनता की सेवा वही करे पारे जेकर ऊपर लक्ष्मी माई के कृपा रहे। और वो बोलता है क्या चीज कि जनता की सेवा वही करे पारे जेकर पास क्या लक्ष्मी माई के कृपा रहे, यानी जे अमीर रहे, जे क्या रहे अमीर, क्योंकि जो ये कालू राम क्या है वो, ठीक है, महाजन है सुदखोर है, उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया है, तो इसलिए वो मुखिया में खड़ा हो गया, तो इस बात को कह रहा है कि गरीब लोगों के जनता की सेवा वही कर पाया कि जे अमीर है जेकर पास धन संपत्ति ज्यादा है। आगे बोलता है कि हाँ कि जगह लक्ष्मी माई के कृपा है, शंकर बाबा का आशीर्वाद है, वही क्या कर पाए, वही जनता का सेवा कर पाए, ऊ की सेवा करत, आगे बोलता ऊ की सेवा करत जेकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे, ठीक है, यानी इसका मतलब ये कमेंट किया है कि जिसके जो गरीब होगा जिसके यहाँ है ना वो क्या सेवा कर पाए, जिसके पास कुछ है ये नहीं है, हाँ वही बात पे कह रहा है, ऊ की सेवा करत है जेकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे, हमर की बोलता हमर की गुण है से कि टाइनाए तो ही जाना, कि हमार क्या गुण है, ठीक है, हमार क्या विशेषता है, तो ही तो सब जानबे कर रहा, हाँ तो ही तो सभी
बेस्ट के जानबे कर रहा कि हम कैसन ही हमार दिल कैसन कते उदार उदार हाँ कि हमार दिल कैसन है कते कते उदार कते दया भाव भरल है ये सब तो ही जानबे कर रहा है। तोहिन के कहे ना पाते मतलब तोहिन के कहे के जरूरत ना हो है ना कि तहिन के कहे ना हो। जादू अब देखिए आगे बोलता जादू ये जब उतना सबको गांव को बता देता है जनता लोग के तब जादू बोलता है। जादू क्या है ग्रामीण जादू बोलता है ना वो प्रतिवाद बताता है वो जब बोलता है तो उसके विपक्ष में क्या बोलता है कि यह तो सब जैसे एक दशा बाबा जैसे मुखिया कहा चाहे सरपंच कहा चाहे MLA कहा चाहे MP कहा अपन है ना पेट भर जनता केकरो चिंता ना वो सब जितने सारे हैं क्या करेंगे अपना खाली पेट भरते हैं जनता का कोई सेवा नहीं करता है। अभी तो बोलेगा कि हम ही मदद करेंगे हम ही सब कुछ हैं आपको है ना लेकिन जब एक बार वो बन जाते हैं तो सब खाली क्या करते हैं चाहे MP हो मुखिया हो चाहे MLA हो सब अपन खाली पेटे भरे हैं। तो ये बात कौन बोला था तो जादू बोला जादू कौन है एक ग्रामीण है और यहीं पे ये सातवां दृश्य खत्म हो जाता है। तो आगे देखिए है ना इस नाटक का आठवां दृश्य में क्या है तो रतिराम और शंभु के बीच में बातचीत होता है वार्तालाप होता है। तो रतिराम कौन है ठीक है तो धनबाद शहर क्या है एक बाबू है जो कि शंभु को क्या कि जब धनबाद जो शंभु गया था तो वो अपना है ना उसको मिलने के बाद जब बताता है शंभु हम BA पढ़ा हुआ है तो अपना रख लेता है उसको पढ़ाने के लिए ठीक है एक स्कूल में यानी उसके छुआ लोग को यानी बच्चे लोग को सबको क्या करता पढ़ाता था ठीक है क्योंकि ये पढ़ा लिखा था BA पास लड़का याद रखना कि शंभु एक BA पढ़ा लिखा लड़का है जो कि क्रांतिकारी है ना क्या है क्रांतिकारी युवक भी है। तो रतिराम बोलते हैं कि शंभु बाबू है ना आप कविता भी करते हैं कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी क्योंकि शंभु जो है ना एक संगीत गोष्ठी होता है जहाँ पे वो कविता जाके पढ़ा था ठीक है वहाँ पे सम्मेलन हुआ था तो इसीलिए वो सम्मेलन में बहुत अच्छा कविता पढ़ा था। तो इस बात को लेकर के जो रतिराम है वो शंभु को बोल रहे हैं कि आपने जो है शंभु बाबू आप कविता भी करते हैं कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी ठीक है बहुत अच्छा लगा ये बात बता रहा है कि मैं अवाक रह गया ठीक है कि बहुत ही अच्छा लगा। तो शंभु बोलता कि धन्यवाद सेठ जी कि धन्यवाद सेठ जी कि आपने मेरा कविता को पसंद किया यही अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। आगे बोलता है कि अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूंगा कि मैं नौकरी अब क्या करूँगा नहीं करूंगा मैं गाँव में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा कि अब हम यहाँ पे पढ़ाएंगे नहीं जो पढ़ाते थे कवि सम्मेलन के बाद उसका दिमाग क्या हो गया फिर गया घूर गया किसका शंभु का। अब रतिराम बोलता यह क्या बक रहे हैं मतलब आप क्या यह क्या बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि रतिराम जो है अब इसको क्योंकि पढ़ा लिखा था इसलिए उसको है ना आदर के भाव से बोल रहा है रिस्पेक्ट दे करके बोल रहा है ठीक है इस तरह से कि आप यह क्या कह रहे हैं शंभु बाबू आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग सराहता था कि हम चाह रहे थे कि आप हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक योग्य शिक्षक हैं किंतु आज यह क्या आप बोल रहे हैं लेकिन आप आज यह क्या बक रहे हैं यानी बोल रहे हैं शंभु ना सेठ जी मैं पागल नहीं बोलता है ना सेठ जी मैं पागल नहीं मैं ठीक ही कह रहा हूँ ठीक है मैं ठीक ही कह रहा हूँ मुझे गांव पुकार रहा है गांव भूख प्यास से तड़प रहा है मुझे बुला रहा है मुझे जाना पड़ेगा किंतु मैं ऋणी हूँ आपका क्योंकि वो क्या रतिराम जो है बहुत ही मुश्किल समय में शंभु के जब स्थिति बहुत है ना दयनीय हो गए थे क्योंकि वो है ना उसके पास खाने के लिए भी नहीं बच रहा था मतलब भूख लगा हुआ था पैसा नहीं था तो वो समय उस कंडीशन में उसको क्या क्या मदद किया था कि अपने स्कूल में रख लिया था पढ़ाने के लिए तो वही बोल रहा है कि आपने किंतु मैं ऋणी हूँ आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की शरण दी ठीक है यह मैं नहीं भूलूंगा। उसके बाद बोलते अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करेंगे मैं जा रहा हूँ ठीक है वो चला जाता है। रति जैसी आपकी मर्जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जैसा आपका मर्जी है वैसा कीजिए लेकिन हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा आपके साथ है ठीक है ये बात वो बोलता है कौन तो रतिराम और वहाँ से वो चल जाते हैं भाई दोनों वहाँ से चल जाते हैं और यहीं पे ठीक है ये आठवां दृश्य खत्म हो जाता है। आगे देखिए जी हाँ इस नाटक का नौवां दृश्य ठीक है जिसमें चुटरा चुटरी के बारे में बताया गया ठीक है चुटरा चुटरी क्या है तो ये इस नाटक में थोड़े से एक ना कॉमेडियन के रूप में है विदूषक है ठीक है ये हंसाने उसाने का काम करेंगे आपको बहुत मजा आएगा ये नौवां दृश्य आपको पढ़ने में समझने में ठीक है। तो मोती क्या है एगो विदूषक है जिसको चुटरा बाप के नाम से जाना जा रहा है और चुटरी माँ मोती के क्या है ये पत्नी है ये दोनों में क्या आपस में तुतू मैं नोकझोंक होते रहता है ये चुटरी माँ ये चुटरा बाप बोलता है ठीक है तो ये हम लोग चलिए इसको समझते हैं। तो मोती क्या है तो मोती बोलता है इसको चुटरी माँ के कि देख चुटरी माँ हमार वो दिन ना जखन हम
किरानी हली, बोलता है वो दिन हमारा ना है क्योंकि किरानी, ये जो मोती रहता है वो किरानी रहता है, किरानी से इसका ठीक है प्रमोशन हो जाता है, ठीक है ये पटना चला जाता है, वही ये बता रहा है यही चीज को, इसीलिए वही बोल रहा है कि देख चुटरी मार हमारे वो दिन आए जखन हम किरानी हली, अब हम साहेब बन गए हैं, ठीक है क्या बन गए हम साहेब, यानी उसको है ना वो ट्रांसफर हो जाता है, सीधे याद रखना है प्रमोशन होती को कि हम किरानी से ऑफिसर, वही बोला कि हम अब साहेब बन गए, अब ऑफिसो हमारा सभी ने साहब कहा है, तो ऑफिस में भी हमारा सब का कहा साहब कहा है, किंतु तोर खरती हम चुटरिए वही बाप, वही बोल कि तोर खातिर तो हम वही चुटरिए बाप ही है, ठीक है चुटरा बाप कहले अब ना चलतो, कि तू हमारा हमेशा चुटरिए बाप कहा है, अब हमारा चुटरा बाप कहे से ना चलतो, अब तोरा कहे हो तो का ची जल्दी हमारा बदली पटने हो रहा है, याद रखिएगा किसका कहाँ बदली हो रहा था पटना, किसका तो ये मोती का है ना, यानी चुटरा बाप का, कि हमारा जल्दी पटना में है ना बदली हो रहा है, यदि तो हुआ हमारा चुटरा बाप कहबे तो लोग की कहता, कि वहां पर चुटरा बाप बोलवे तो लोग हमारा क्या कहेगा, तो चुटरी माई बोलती है ओ बोलते ओ है ना अब तो है साहेब बन गए हैं, अब तो साहेब बन गए हैं, किंतु साहेबो की करिया हुए है, वही बोलता है कि साहेबो की करिया हुए है, ऐसा साहेब हम ना देख ले ही, ऐसा साहेब हम ना देख ले ही जे के हुआ करिया, क्योंकि चुटरे बाप क्या था ठीक है कलर में थोड़ा सा करिया होगा, इसी पे बात वो कमेंट कर रही है मजाक में उसको बोल रही है। मोती देख चुटरी माए ईटा हंसी ठाठा ना बुझिए, ठीक है ये हंसी मजाक ना समझिए, ठीक है हमारा सच में क्या हो गया नहीं बदली हो गए, अब हम किरानी से ठीक है साहेब बन गए हैं, हमारा अब जायका पता है कहाँ पटना बदली हो गए हैं, वही कि हम तोरा चुटरी माए ना कहबो, कि अब हमारा तोरा चुटरी माए ना कहबो, इसलिए तू हमारा भी चुटरा बाप ना कहिए, ठीक है हम तोरा मेम साहब कह के बुलेबो, हम तोरा का कहबो मेम साहब कह के डाकबो, डाकबो मतलब बुलाइबो, चुटरी माए तो हम मेम साहब कैसे, ठीक है तो हम मेम साहब कैसे हो, वही बोला कि हम मेम साहब तू तो मेम हो गए साहब, लेकिन हम मेम साहब कैसे हो गए। मोती होबे होतो तोरा होबे होतो तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पहने होतो, ऊंचा एड़ी के चप्पल पहने होतो, हाथे बैग रखे होतो, अब बोला कि हाथ में तोरा क्या रखे पता बैग रखे पता टांग करके, गाले पूरा पाउडर रगड़े पड़तो, ऐसे पाउडर रगड़े पड़तो, और है ना और होतो ओठे लिपस्टिक, और ओठ में क्या लगे पड़तो लिपस्टिक लगे पड़तो, ठीक है ये बोल रहा है। अब बीचे टोक के तुरंत जैसे बोलता कोठे में लिपस्टिक लगा पता वैसे टोक के बोलती है चुटरी माँ लिपस्टिक की हो है लिपस्टिक की हो है, तब तब ये बोलता चुटरा बाप यानी मोती, ठीक है बुद्धू कहीं के क्या बोलता है बुद्धू कहीं के लिपस्टिक ना जानी ओठ रांगे वाला ओठ है ना, वही बोलता है कि ओठ रांगे रंग के कहा जाए लिपस्टिक, ठीक है तो चुटरी माँ बोलती ओ आलता क्या बोलती है ओ आलता, मतलब वो दूसरा समझ लेती है आलता एक नहीं होता है जो पैर में रांगते हैं, तो वही बोल रहे ओ आलता हमारे सात गुष्टियों ने देख लिया है, क्या बोलती है तो हमारे सात गुष्टियों मतलब सात पीढ़ी के लोग भी हमको नहीं देखा है ओ आलता के, तब मोती बोलता तो सात गोष्ठी गाधा हालथुन, तो सात गोष्ठी का हालथुन गाधा हालथुन का हमरो गाधा हो गए हो बोलता है, अब तनी तेज से यही बोला, अब चुटरी बाइक थोड़ा सा पिनक जाता है, क्यों क्योंकि किसी को भी यदि ठीक है किसी भी औरत को उसकी माँ के बारे में मतलब उसका मायके के बारे में कमेंट कर दो ठीक है तो वो फिर आग बबूला हो जाती है, ठीक है तो सेम यहाँ पे भी हो गया है उसी तरह से, ठीक है चुटरा बाप बोले कि तोर गाधा हो जातुन तोर एथी वाले है कि तोर सात गोष्ठी गाधा होता तो हमू गाधा आई यही बात है, तो चुटरी माँ बोलता देखा तनी मुँह संभार के, देखा तनी मुँह संभार के हमारे माए बाप के नाम घसीटा ना यहाँ पर, ठीक है यहाँ घसीटा ना है वो सब नाय घास से आयल हलथुन तोहरे साथ ना गुस्ती जाए के नाक रगड़े हलो, ठीक है वही बोला कि मतलब वो सब तोर हमारे पास तोहर पास ना आयल हलथुन तू ही जाके ओकर पास गेल हाल हमारे वास्ते, ठीक है यही कि तू ही गेल हाल तोहरे साथ गुस्ती जाए के नाक रगड़े हलथुन तब हमारे संग तोहर बिहा भेल हो, ठीक है वो सब पहले ना आयल हलथुन, ये बात बोल रही है कौन चुटरी माँ की करा चुटरी बाप के, और वही बोला आगे कि तबे हमार संग तोहरा बिहा और ना तो तुहो रहतला थोड़ा सहरे गाछे के भूत, ठीक है तो वही बोला कि तोहर थोड़ा रहतो रह सही हाँ कि गाछे के भूत ट्रैप से अकेले रहता। मोती ओहो तो तोर माए बाप इतने गुमान, ठीक है ओहो तो तोर माए बाप के इतने गुमान, ये बोलता चुटरी माए तो रहत नाथ का, वही बोल रहा है ठीक है रहत नाथ तो की का, यही बोल रहा है मोती हाँ हाँ देख ले ही तोर भाई साहब के, क्या बोलता है वो कि देख ले ही तोर
भाई सबके कि तीन तल्ला ऊपर बैस के दिन तारा गनते, वही बोला कि वो भी मजाक में वही बोलता कि देख लीजिए तो भाई साहब के कितना तुम तीन तल्ला ऊपर जो बैठ के तारा देखे रहा तुम आसमान पर से चुटी में। हाँ हाँ तुहर भाई बोला ऐसा डक डकाय ना बोला है, वही बोला कि तुहर कि तुहर भाई ऐसा डक डकाय के ना बोला। यही मतलब ये दोनों में क्या होता है नोकझोंक होते रहता है ठीक है। और ये सब कह के वो सब क्या कहते कहते प्रस्थान कर जाता है मतलब चला जाता है। और इस तरह से क्या होता है नवोदृश खत्म हो जाता है ठीक है। तो नवोदृश यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे देखिए ठीक है, इस नाटक का हम लोग दसवां ठीक है दृश्य को पढ़ेंगे जिसमें सुहागी और शंभू के बारे में बताया गया ठीक है। सुहागी शंभू जो है वो अपनी माँ से सुहागी यानी ठीक है सुहागी कौन है तो शंभू की माँ है ठीक है। तो वो शंभू अपनी माँ से जाके कहता है कि माँ अब हम काम नहीं करेंगे ठीक है कि माए हम अब नौकरी नहीं करब ठीक है। शंभू जाके अपनी माँ से बोलता है कि माए अब हम नौकरी नहीं करब है ना, अब हमारा गाँव घरे सेवा करे हो कि अब हमारा गाँव घर के क्या सेवा करे हो। गाँव बड़ी गरीबी है, गाँव में बहुत गरीबी है, भूखे लोग छटपटा है ना रोगे तड़पे हाथ कि गांव में इतना गरीबी है कि लोग क्या छटपटा के तड़प रहा है ठीक है। लुगा बिना नारी लाज बचवे हाथ कि हमको क्या है कि महिलाओं को यहाँ के कि बचाना है उनको कपड़ा जो नहीं घटता वो सब चीज़ को हमको अब उसको देख रहे कर हमें सामाजिक काम करना है। ये सब बताता है शंभू कौन अपनी माँ को कि नारिक लाज बचवे हत, शिक्षा बिना मूर्ख बन के सियार कुकरे जीवन बीतवे हत ठीक है। उस सब के मुँह अन दिए चेष्टा कर जो लोग यहाँ पे पढ़े नहीं है जो अनपढ़ है उन लोगों को थोड़ा सा शिक्षा उच्छा देंगे है ना, शिक्षा को बढ़ावा दिलाएंगे। उस सभी के मुख अन दिए चेष्टा करब, लुगा पिंधे युक्ति बताब, शिक्षा दे मानुष के बनवब, वही बोला कि शिक्षा पढ़ा लिखा के क्या करेंगे उनको थोड़ा सा मनुष्य बनाएंगे जो कोई पहले ठीक है मनुष्य टाइप से नहीं उन लोग करता सबको पढ़ा लिखाएंगे। अपन पेट तो कुकरों माय भर है, वही बोल रहा आगे कि कुत्ता भी अपना पेट क्या होता मतलब भर लेता है लेकिन क्या एक मनुष्य का यही गुण होना चाहिए नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा समाज में लोगों को जागरूक करने के काम करेंगे ठीक है। लोगों को बताएंगे कि आप अच्छे ये सब कर सकते हो, ये सब बता रहा है अपनी माँ को ठीक है कि अब हम नौकरी ना करब, अब गांव के लोग को हम क्या करब जागरूक करब ठीक है। वही क्या अपन पेट तो कुकरों माय भरे हैं लेकिन उन सबको हम क्या करेंगे जागरूक करेंगे। तो सुहागी बोलती है कि जे तोर मन करो बेटा से तू कर, जे तोर मन करो से तू कर। तो यहीं पे इसका दसवां दृश्य समाप्त हो जाता है, ये छोटा छोटा इसमें दृश्य है ठीक है। तो ये इस नाटक को हमने समझाने का आपको प्रयास किया, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है। और यदि जो भी आपको लगा हो ठीक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट करें ठीक है, हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे ठीक है। धन्यवाद।